नमस्कार, मैं सरिता पारिक, बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज की व्याख्याता। आज मेरा टॉपिक है शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता। पर्यवेक्षण क्या होता है? किसी भी चीज़ का सुपरविजन करना। सुपरविजन दो शब्दों से मिलकर बना है, सुपर और विजन। सुपर यानी असाधारण, अलौकिक या दिव्य, और विजन का मतलब है दृष्टि, अर्थात एक दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि वो होती है जो कि किसी भी संस्था का चौमुखी दिशाओं से अवलोकन करके और उसमें जो कमियां हैं उसके लिए सुझाव दे और उसकी उन्नति के लिए सुझाव दे, तो वही दिव्य दृष्टि है। अर्थात पर्यवेक्षण वो हो गया कि हम किसी भी संस्था के अंदर जो कमियां हैं उनको देखकर उसकी उन्नति के लिए जो हम सुझाव दें या उसके लिए जो कार्य करें, तो वही शैक्षिक पर्यवेक्षण है। और शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? शिक्षकों के निरंतर विकास में सहायक। शैक्षिक पर्यवेक्षण के माध्यम से हम शिक्षकों के अंदर जो भी कमियां हैं उनके क्लासेस को हम देखकर, उनका अवलोकन करके, उनकी कमियों से उनको अवगत करवाकर हम शिक्षकों के विकास में सहायक बन सकता है शैक्षिक पर्यवेक्षण। सेकेंड आता है कि शैक्षिक कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता में सुधार। शैक्षिक कार्यकर्ता, इसके अंतर्गत छात्र, शिक्षक, प्रधानाचार्य तथा अन्य कर्मचारी सभी इसके अंतर्गत आते हैं। सभी के कार्यों का पर्यवेक्षण करके और उनकी कमियों को उन्हें बताकर उनके कार्यों को हम सुधार कर सकते हैं, उनके कार्यों में सुधार कर सकते हैं और इस प्रकार हम उनकी कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आता है कक्षा शिक्षण को उन्नत व प्रभावशाली बनाना। शैक्षिक पर्यवेक्षण के द्वारा प्रधानाचार्य, प्राचार्य या फिर किसी भी HOD के द्वारा कक्षाओं का निरीक्षण करके और कक्षा शिक्षण को उन्नत और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। प्रभावशाली कैसे बनाया जा सकता है कि क्लास में अगर टीचर पढ़ा रहा है तो कोई भी उसे ऑब्जर्व करने के लिए जाए, तथा जैसा कि टीचर ट्रेनिंग के अंदर होता है कि उस टीचर एडुकेटर को ऑब्जर्व किया जाता है तथा उसको उसकी कमियां से अवगत करवाया जाता है, जिससे कि वो अपनी कमियों को देख सके और उनमें सुधार कर सके तथा उस क्लास को पढ़ाने में उसकी जो कमियां रही है और उसके शिक्षण कार्य में जो कमियां रही है, तो उस शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए वो अपनी कमियों को दूर कर सके और इस प्रकार वो अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सकता है। विद्यालय की अंतःक्रिया में सुधार करना। विद्यालय में कई अंतःक्रियाएँ, कई सह शैक्षिक क्रियाएँ करवाई जाती है, जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाए जाते हैं या गेम्स करवाए जाते हैं या कई कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, कंपटीशन होते हैं, कई तरह की अंतःक्रियाएँ होती है। अगर उन अंतःक्रियाओं में कहीं भी कोई कमी रह जाती है तो उन अंतःक्रियाओं की कमियों को सुधारने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए और उसके लिए उन्हें हर तरह से साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, जिससे कि जो विद्यालय है उसकी जितनी भी अंतःक्रियाएं हैं उनमें सुधार हो सके। नेक्स्ट आता है शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करना। हर एक संस्था की अपनी अपनी नीति होती है, तो उन नीतियों को का निर्धारण करने के लिए एक रूपरेखा बनाई जाती है और हर एक कर्मचारी के लिए अलग अलग कार्यक्षेत्र के अनुसार उनको, उनकी कार्यक्षमता के अनुसार उनका कार्यों का निर्धारण किया जाता है और इन नीतियों का निर्धारण करने के पश्चात ही सबको कार्य बांटे जाते हैं। तो इस प्रकार जो नीतियाँ बनाई जाती है तो उनका पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है व्यावसायिक समस्याओं का निराकरण। टीचर की नियुक्ति हो जाने के पश्चात उसके जो व्यावसायिक उसका जीवन है उसमें कई समस्याएं आती है, जैसे कि कई टीचर होते हैं जो बहुत दूर से आते हैं या किसी के लेडी टीचर है तो उनके घर में छोटे बच्चे हैं, वो संस्था में लेट आते हैं या कई प्रॉब्लम्स होती है उनको, या फिर वो अपने घर पे समय नहीं दे पाते हैं अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए, स्वयं पढ़ने के लिए समय नहीं दे पाते हैं, तो ऐसे में जो भी उनकी समस्या है, व्यवसाय से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, तो उनका निराकरण, उन समस्याओं को जानकर उनका निराकरण
किया जाना चाहिए, उन्हें एक अलग से समय दिया जाना चाहिए या फिर उनकी समस्याओं को जानकर उसके अनुरूप उसका समाधान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है नवीन शिक्षण विधियों व सामग्री के विकास हेतु। जैसा कि हम देखते हैं कि आजकल स्मार्ट क्लासेस होती है या जो नवीन विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करके क्लासेस में पढ़ाया जाता है जिससे कि शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जाए, तो इसके लिए जिन चीज़ों की जिन साधनों की आवश्यकता होती है उनको प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। क्लास में अगर हम प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं या फिर स्लाइड्स के माध्यम से कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो वो सब साधन वहाँ पर उपलब्ध होने चाहिए जिससे कि टीचर अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी बना सके और बच्चे उसमें रुचि लेकर उसे ग्रहण कर सके। लास्ट है शिक्षक वर्ग को तकनीकी सहायता। जैसा कि उपयुक्त पॉइंट में कहा गया था कि उनकी शिक्षण विधियों और सामग्री का विकास किया जाना चाहिए, तो इसी से रिलेटेड ये है कि तकनीकी सहायता, शिक्षकों को तकनीकी सहायता दी जानी चाहिए। शिक्षकों को जैसा कि अगर कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर सब्जेक्ट है, लेकिन विद्यालय में अगर लैब नहीं है तो वो कंप्यूटर टीचर कंप्यूटर का ज्ञान बच्चों को कैसे देगा, या फिर अगर प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाना है और विद्यालय में वो प्रोजेक्टर उपलब्ध नहीं है तो वो कैसे पढ़ाएगा। इस प्रकार जो भी तकनीकी सहायता है वो टीचर्स को दी जानी चाहिए। इस प्रकार सर्व जो पर्यवेक्षण है, शैक्षिक पर्यवेक्षण, इसकी शैक्षिक प्रक्रिया में बहुत बड़ी भूमिका है और इसके माध्यम से ही शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार लाया जा सकता है। समय समय पर शैक्षिक पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए और हर एक कर्मचारी को, चाहे वो शिक्षक हो या अन्य कर्मचारी हो, उन्हें उनकी कमियों से अवगत कराया जाना चाहिए जिससे कि वो अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सके, उसको उन्नत बना सके। धन्यवाद।